सीरत मौला अली से दूर क्यों होने लगे, क्या किसी दिल में नहीं है कोई डर अल्लाह का। जनाब उबैर सैफी साहब ने क्या हक बयानी से काम लिया, ये पूरी तारीख इस शेर के पस मंजर में आपके हवाले कर गए। सीरत मौला अली से दूर क्यों होने लगे, क्या किसी दिल में नहीं बाकी है डर अल्लाह का। हजरत ये सच है कि अगर इंसान मौलाए कायनात का नहीं है तो फिर वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता। अल्लाह का वही है जो अली का है। आइए मैं आपके सामने फिर एक शायर को पेश करना चाहता हूँ, ये जो कुछ अफरा तफरी है इसे होने दीजिए, एक शायर को पेश करता हूँ, लेकिन फिर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जश्ने मौलाए कायनात हो रहा है और जश्ने मौलूद काबा बड़ी खूबसूरती के साथ हो रहा है, मुंतजबीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। आइए अर्ज करता हूँ कि आज है मसरूर कितना खाने काबा फसील, आज है मसरूर कितना। भाई आप तमाम हजरात इधर रहे, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, जितने हजरात यहाँ बैठे हुए सब इधर रहे, ये उधर मत देखिए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप हजरात इधर रहिए। आज है मसरूर कितना खाने काबा फसील, जानता है कौन आएगा अबू तालिब के घर। हाय हाय पूरा मजमा मेरे साथ आए तीसरा। आज है मसरूर कितना खाने काबा फसील, आज है मसरूर कितना खाने काबा फसील, जानता है कौन आएगा अबू तालिब के घर। अरे वो तो कहिए फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी, वरना काबा चला अबू तालिब। आज है मसरूर कितना, आज है मसरूर कितना खाने काबा फसील, आज है मसरूर कितना खाने काबा फसील, जानता है कौन आएगा अबू तालिब के घर। वो तो कहिए फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी, वरना काबा खुद चला आता अबू तालिब के घर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये चाहता हूं कि बस इसी तरीके से आप हजरात महफिल का हिस्सा बने रहें और मैं शायर को पेश करूं। गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम जनाब अनवर सेथली से कि वो तशरीफ लाएं। जनाब अनवर सेथली से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं, खूबसूरत तरन्नुम के मालिक और अच्छे अशआर के खालिक जनाब अनवर सेथली आप हजरात की खिदमत में हाजिर हैं। समाअत फरमाएं। मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ चार मिसरे पेश करता हूँ मौलाए कायनात की शान में। इजाज़त है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रसूल खुदा के वसीया रहे हजरा पर चार मिसरे और पेश करता हूँ सबको भाई खास तौर से। इरशाद अली। हर दुश्मन है दर
दुश्मन हर दुश्मन हैदर को ये बात भी बतला दो अब कर दो बला एक मतलब चार पांच शेर मौलाए कायनात की शान पेश करता हूँ समाज फरमाने तो मिसरे पर भी चार मिसरे पढ़ेंगे समाज फरमाने मौला अली की शान नसीर भाई इरशाद इरशाद बिस्मिल्लाह सारे जहां में गूंज रहा है नारा हैदर अली अली सारे जहां में गूंज रहा है नारा हैदर अली अली खैबर का दर बोल रहा है फाता खैबर अली अली सारे जहां गूंज रहा है नारा हैदर अली अली नारा हैदर अली अली शेर खास तौर से कोई मुनाफिक जा नहीं सकता कुल्द में मेरा दावा है कोई मुनाफिक जा नहीं सकता कुल्द में मेरा दावा है दस्ते कुदरत में लिखा है के दर पर अली अली सारे जहां में गूंज रहा है नारा हैदर अली अली नारा हैदर अली अली और माँ की नसीहत याद आई तो होश उड़े हैं मैदान में माँ की नसीहत याद आई तो होश उड़े हैं मैदान में माँ की नसीहत और नाम है खास तौर से किसकी करामत मिसल नबी है कुरान खुद बतलाएगा वाह 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 किसकी करामत मिसल नबी है कुरान खुद बतलाएगा जिसने पेश करता हूं मैं तारीख से पूछ रहा था हिजरत की शब सोया कौन मैं तारीख से पूछ रहा था हिजरत की शब सोया कौन हिजरत की शब सोया कौन
अली अली। आखिरी शेर पेश करता हूं। जब से फकीरों ने ये सुना है गाता है दुनिया का अली, जब से फकीरों ने ये सुना है गाता है दुनिया का अली, भीख अभी तक मांगे हैं कर 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 अली अली, सारे जहां में गूंज रहा है नारा हैदर अली अली। नारे सलावत का सारा पेश मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक किसी जमीन में वो बात ही नहीं अनवर, किसी जमीन बात कर वो बला बस तेरी जमीन में रही, जो बात कर वो बला बस तेरी जमीन में रही, नहीं है कोई भी दौलत कहां पर तोले, बस एक बिला ए अली दामने यकीन में रही, बस एक बिला।